दोस्तों, नामुमकिन रहस्य में अज्ञात और उत्तेजित सौर मंडल का नवा और अनजाना सदस्य प्लेनेट नाइन, जिसे अक्सर नाइन के नाम से भी जाना जाता है, जो सौर मंडल का सबसे अनजाना और रहस्यमय ग्रह माना जाता है। प्लेनेट नाइन की खोज एक रोमांचक कहानी है। नई रिसर्च को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माइक ब्राउन और बैटगिन ने किया है। दावा किया गया है कि प्लेनेट नाइन की खोज होने में अभी कुछ दिन और बाकी हैं। सौर मंडल में नौवे ग्रह को ढूंढना वैज्ञानिकों के लिए परेशान करने वाला विषय बना हुआ है। 2006 में प्लूटो से उसके ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया और उसे डवॉर्फ ग्रह घोषित किया गया था। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि उसके बाद नवे ग्रह की तलाश में 15 साल का वक्त लग जाएगा। लेकिन अब वैज्ञानिकों को नवे ग्रह के प्रारंभिक सबूत मिले हैं। प्लेनेट नाइन के बारे में शुरुआती थ्योरी आसपास की वस्तुओं पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स पर आधारित है, लेकिन अभी तक ग्रह की मौजूदगी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं अब एक ताजा अनुमान के मुताबिक हमारे सौर मंडल में तथाकथित नवा ग्रह पहले की तुलना में करीब और देखने योग्य है। इससे पहले ये अनुमान लगाया गया था कि प्लेनेट नाइन 18,500 सालों में सूर्य के चारों ओर एक चक्र को पूरा कर लेता है। वहीं नई रिसर्च में ये बताया गया है कि ये 7,400 साल में एक चक्कर पूरा करता है। इससे पता चलता है कि ये ग्रह पृथ्वी और सूर्य के करीब हो सकता है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण मूल्यांकन के आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये ग्रह पृथ्वी से 6 गुना बड़ा हो सकता है, लेकिन अभी तक इस बात पर सहमति नहीं बनी है कि ये ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह चट्टानी है या फिर नेपच्यून जैसी भारी घनी गैसों से मिलकर बना हुआ है। अगर सच में प्लेनेट नाइन मौजूद होता है और उसकी मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिलते हैं, तो ये सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। साथ ही सौर मंडल में मौजूद ग्रहों की संख्या भी 9 हो जाएगी। हमारे सौर मंडल में जोड़ा जाने वाला आखिरी ग्रह नेपच्यून था, जिसकी खोज 1846 में की गई थी। हमारे सौर मंडल में इस समय 8 ग्रह की मौजूदगी है। वैज्ञानिकों ने पहले प्लूटो को ग्रह का दर्जा दे रखा था। तब सूर्य के 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन बाद में उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और सौर मंडल के 8 ग्रह रह गए थे। लेकिन इसके साथ ही सौर मंडल के 9वें ग्रह मींस प्लेनेट 9 की तलाश भी शुरू हो गई है। दोस्तों, सदियों से इस ग्रह की खोज की जा रही है। इससे वैज्ञानिकों और खगोलविदों के अलावा कई लेखक भी इसमें उलझ रहे हैं, लेकिन हाल ही के कुछ सालों में हम बात करें तो 9वें ग्रह के मजबूत संकेत मिले हैं। लेकिन यह अभी तक क्लियर नहीं है कि यह रहस्यमय पिंड वास्तव में ग्रह है या फिर ब्लैक होल है या फिर एक वैज्ञानिक इमेजिनेशन। ये माना जाता है कि इसके बारे में प्लेनेट 9 के नाम से मशहूर एक 9वें ग्रह के बारे में वैज्ञानिक ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सौर मंडल में इस रहस्यमय ग्रह का अस्तित्व है। ऐसा माना जाता है कि इसका भार पृथ्वी के भार से 10 गुना ज्यादा है और यह किसी बर्फीली सामग्री का बना हुआ है, जिससे नेपच्यून और यूरेनस बने हैं। दोस्तों, इस ग्रह की करोड़ वैसी है जैसे इन दोनों ग्रहों की है। इन खगोलविदों का मानना है कि यह काइपर घेरे के बाहर स्थित माना जा रहा है। दिलचस्प बात देखिए कि अभी तक के अवलोकनों में इस ग्रह को नहीं देखा जा सका है, लेकिन बहुत से खगोलविद इसकी उपस्थिति को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। इस ग्रह की अवधारणा की शुरुआत 90s की सदी से माना जाता है, जब एक यात्रा वृतांत लेखक ने एक रहस्यमयी 9वें ग्रह का होने का विश्वास जता दिया था। दोस्तों, 20वीं सदी में प्लूटो को 9वें ग्रह का दर्जा दिया गया, लेकिन 2006 में उसे बौना ग्रह करार दे दिया गया। कहीं प्लेनेट 9 के साथ भी ऐसा नहीं हो। साल 1989 में नासा के वाइजर अभियान में काइपर घेरे को खोजा गया था। इसी से साबित हुआ था कि प्लूटो वास्तव में ग्रह नहीं बल्कि बौना ग्रह है। लेकिन इससे हुए नए खोजों ने सुझाया कि काइपर के बेल्ट से बाहर एक ग्रह या दूसरा खगोलीय पिंड मौजूद है। 2016 में दो वैज्ञानिकों जिनमें माइक ब्राउन और
बैटेज ने दावा किया कि नोवा ग्रह पृथ्वी से 10 गुना भारी होना चाहिए, जो काई पर बिलेट में पौने ग्रह के गुरुत्व खिंचाव के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। वहीं इस पिंड के दिखाई ना देने की वजह ये बताई जाती है कि वास्तव में ये ग्रह है ही नहीं। इसी कड़ी में इसको एक प्रिमोर्डियल ब्लैक होल माना जाता है। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल आकार में एक ग्रह की तरह होते हैं और पकड़ में नहीं आते हैं। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि कोई प्रिमोर्डियल ब्लैक होल ही काइपर घेरे के पिंडों की कक्षा को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, कुछ शोध ये भी बताते हैं कि प्लेनेट 9 की अवधारणा भ्रम भी हो सकती है। इस मत के आलोचकों के अध्ययन में बताया गया है कि प्लेनेट 9 का प्रमाण वास्तव में ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्टिव मींस TNO का समूह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर इस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। ये समूह इसलिए दिखाई दिया है क्योंकि टेलीस्कोप उसी दिशा में देख रहे थे। एक अध्ययन का कहना है कि TNO की कक्षाएं सामान्य बर्ताव कर रही हैं। तो दोस्तों, आने वाले समय में पता लगेगा वाकई प्लेनेट 9 एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। तो दोस्तों, ये था प्लेनेट 9 के बारे में एक संक्षिप्त अवलोकन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।